दोस्तों गुड मॉर्निंग। पहले वीडियो में स्टार डाल्टा विदाउट टाइमर में बनाया था, अभी स्टार डाल्टा विथ टाइमर स्टार्टर पावर कंट्रोल इंडिकेशन वायरिंग डायग्राम बनाया। तो देखिए इधर जो देखिए ये क्या क्या सामान लगाया है, एगो टीपी लगाया है थ्री फेज का जो थ्री फेज लाइन को कंट्रोल करेगा, एगो डीपी लगाया है जो कंट्रोल वाला सप्लाई को कंट्रोल करेगा। ये देखिए ये टाइमर आगे वीडियो में जो दिखाया है, आगे ड्राइंग में ये टाइमर नहीं था, अभी ये टाइमर है। ये मेन कॉन्ट्रेक्टर है मेरा, ये डाल्टा कंडक्टर है, ये स्टार कंडक्टर है और ये इंडिकेशन का है जो ऑफ का, ये स्टार्ट का, ये रन का, ये ट्रिप का। अभी इधर तो पुश बटन लिए हैं, एक वो स्टॉप का जो एनसी है, स्टार्ट का जो एनओ है, एक वो ओवरलोड रिले भी है, ये देखिए ओएलआर ओवरलोड रिले भी लिए हैं। ये मोटर का जो वाइंडिंग रहता है अंदर का उसको भी दिखाया है, U1 V1 W1 U2 W2 V2 W2 U2 और क्या है, बस इतना ही सामान में ये बनाया है। तो पावर तो सेम होता है जैसे विदाउट टाइमर में भी और टाइमर में भी पावर सेम है। जैसे देखिए इधर से टीपी होते हुए कॉन्ट्रैक्टर को दिया, मेन कॉन्ट्रैक्टर को दिया, डाल्टा को दिया, डाल्टा से निकल के स्टार को दिया, स्टार को तीनों फेज में शॉर्ट किया, फिर इसे एक मोटर में टू में माने U2 V2 W2 में आ रहा है। ये इधर से मेन कॉन्ट्रैक्टर से जो ओवरलोड रिले होके मोटर में आ रहा है U1 V1 W1। तो ये हो गया पावर का। ये कंट्रोल में समझने वाली बात है, ये देखिए डीपी से एगो फेज उठाया है, इधर से लिया टैपिंग करके, इधर से न्यूट्रल आया, तो न्यूट्रल वाला पहले देख ले। देखिए डीपी से निकाल के कहाँ कहाँ गया है, देखिए मेन कॉन्ट्रैक्टर में A2 में दिया है, डाल्टा कॉन्ट्रैक्टर का A2 में दिया है न्यूट्रल, स्टार कॉन्ट्रैक्टर का A2 में दिया है और इंडिकेटर में दिया है, सबको लूप बना के एक एक करके दिया है। अभी फेज देखिए, फेज इधर से आया, इसको आके डायरेक्ट जो वॉयलर का 95 नंबर टर्मिनल है उसी में आया है, 95 से 96 एनसी होता है नॉर्मली। यहाँ से आके देखिए ये एनसी पुश बटन में आया, एनसी के आउटपुट से आया है एनओ के इनपुट में, जो स्टॉप बटन है ये एनसी का, ये एनओ का स्टार्ट बटन है, एनओ का स्टार्ट बटन से होते हुए कहाँ गया, ये देखिए ओवरलोड ये टाइमर को दिया है, सॉरी टाइमर को दिया है। टाइमर में देखिए ये जो A1 पॉइंट होता है टाइमर का, वो रिले का पॉइंट होता है जो कॉन्टैक्ट करता है, इधर भी न्यूट्रल दिए हैं, इसको भी देखिए A2 में इधर भी न्यूट्रल देना पड़ता है। तो ये हो गया A1 में। अभी जो 15 नंबर है ये स्टार को पिकअप कराएगा, इधर 15 को स्टार दिए हैं, इधर डाल्टा का 25 दिए हैं, ये 15 है, ये 25 है, ये डाल्टा को इधर थोरो कराएगा ये वाला 28 नंबर में, और ये स्टार को फ्लो कराएगा वो भी टाइमिंग के बाद 15 से 18 में चला जाएगा। ये जिस जितना टाइम आप सेट करके रखेंगे, जैसे हमको 10 सेकंड दिए हैं तो 10 सेकंड तक ये एनसी रहेगा 15 से 18, ठीक है, 10 सेकंड के बाद ये 25 से 28 को एनसी होगा, ये एनओ हो जाएगा इस टाइम। तब ये स्टार को दिए हैं, यहाँ से
यहाँ से कॉमन कर दिया, इसलिए लूप किया इसको। ठीक है, ये कब तक चलेगा? जब तक मेरा स्टार्ट बटन दाब के रखेंगे उतने देर तक चलेगा। उसके बाद उसको होल्डिंग देने के लिए, किसको ना, इसको होल्डिंग देने के लिए एगो जो स्टॉप का आउटपुट और स्टार्ट का इनपुट से एक वायर गया है, ये मेन मेन कॉन्टेक्टर का एनो में, एनो से जब ये पिकअप कर जाएगा तो ये एनसी बन जाएगा, तो इसको पर इधर से सप्लाई मिलेगा। और ये वाला जैसे छोड़ दीजिएगा तो ये वाला कट जाएगा यहाँ से, फिर इधर से इसको मिलना शुरू हो जाएगा, तभी पिकअप में हो जाएगा। और इधर से फिर आरेक्टोन जो निकला है स्टार्ट बटन बटन से, इसको गया है ये डेल्टा स्टार का, हाँ स्टार का जो एनो पॉइंट है, स्टार का जो एनो पॉइंट है, जब ये पिकअप करेगा तो ये एनसी बन जाएगा। इसके एनसी होते हुए ये आ जाएगा मेन कंडक्टर का A1 रिले पॉइंट में। अभी जो ये होल्डिंग गया था, ये देखिए एनसी इसका भी एनो में दिया है मेन का। इधर से जैसे वो बंद हो जाएगा तो ये इधर से एनसी हो जाएगा, तो इधर से इसको सप्लाई मिलेगा और ये पिकअप रहेगा। ठीक है, ये स्टार को फिर यहाँ से देखिए, तो दोस्तों ये जो टाइमर है, टाइमर पहले 15 सेकंड के लिए कि 10 सेकंड के लिए, ये इधर से लाइन को प्रोवाइड करेगा। 10 सेकंड के बाद ये डेल्टा में छोड़ेगा, फिर ये कट जाएगा। तो ये देखिए ये स्टार में गया है, ये डेल्टा का एनसी पॉइंट में गया है। जब ये नॉर्मल मोड में रहेगा तो यहाँ से एनसी देने से इधर कॉन्टैक्ट निकल जाएगा, और निकलने के बाद इसको देखिए ये स्टार का A1 में दिया है इसका कॉइल में। जैसे ही ये स्टार में 10 सेकंड तक चलेगा तब तक ये पिकअप रहेगा। पिकअप होने से इधर से जो हम मैन के लिए वो दिया है एनो में, तो ये पिकअप होने से ये एनसी हो जाएगा, तो ये मैन कॉन्टैक्टर भी इसका साथ में पिकअप हो जाएगा, साथ साथ में ये होल्डिंग भी हो जाएगा, ये होल्ड हो जाएगा लेकिन वो नहीं होगा कि डाटा पिकअप हो जाएगा उस टाइम। तब जब इसका टाइमर का 10 सेकंड पूरा हो गया, 10 सेकंड तक ये पिकअप रहेगा, तो उस टाइम ये एनओ हो जाएगा, एनओ एनसी हो जाएगा। तो उसी टाइम से उसको ये जब एनसी हो जाएगा तो ये वाला जो मेन कॉन्टेक्टर को दिया है कॉइल को, तो तक ये भी एनसी हो जाएगा, ये भी एनसी हो जाएगा। तो ये एनसी हो जाएगा तो इधर से जो होल्डिंग दिया है इधर से इसको सप्लाई मिलता रहेगा, तो ये मैन ऑन हो जाएगा, ये भी पिकअप रहेगा। ये 10 सेकंड तक चलेगा, 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक इधर से टाइमर से छोड़ देगा, तो ये डेल्टा में आ जाएगा। तो डेल्टा देखिए डेल्टा आया है, ये डेल्टा आया है जो स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी है, ये अप मोड में होगा, तब इससे सप्लाई निकल के इधर डेल्टा को पिकअप कराएगा। ठीक है, डेल्टा को पिकअप कराएगा। अब इसको जैसे वो पिकअप कराएगा डेल्टा को, तो ये टाइमर में तो ये ऑलरेडी ऑन टाइम चलेगा, जब तक ऑन रहेगा ऑन टाइम चलेगा। ठीक है, तब तक ये जब तक ये मोटर चलते रहेगा तब तक ये पिकअप में रहेगा, ये ऑन टाइम टाइमर है। जब तक ये ऑन रहेगा तब तक ये इसमें सप्लाई मिलते ही रहेगा, तो डाल्टा चलते रहेगा, तो मेरा मेन और डाल्टा चलते रहेगा। तो स्टार छोड़ देने के बाद मेन और डाल्टा चलेगा, तो इधर से करंट प्रोवाइड हो गया, मोटर को रनिंग में चलेगा। अभी हो गया, ये हो गया अभी इंडिकेशन के लिए। देखिए इंडिकेशन के लिए
ओवरलोड, ये जो एमसीबी का आउटपुट से फेज आया है, यहाँ से मैं उठाया, देखिए मेन कॉन्टैक्टर का जो एनसी में दिया है और डाल्टा का एनओ में दिया हूँ और स्टार का एनओ में दिया हूँ। तो ये वाला जो एनसी है ये वाला ऑफ वाला काम करेगा इंडिकेशन, ये देखिए ये जो पिकअप नहीं करेगा उस टाइम ये इंडिकेशन करेगा कि ये सप्लाई आया है। जब ये स्टार्ट वाला चलेगा तब तक वो 10 सेकंड के लिए स्टार्ट होगा। इधर से देखिए ये एनओ में दिया है, ये स्टार्ट वाला में दिया हूँ और ये जो डाल्टा वाला दिया हूँ, डाल्टा वाला जो दिया हूँ इधर से एनओ से, ये इधर से ये रनिंग वाला दिया हूँ ताकि डाल्टा जब पिकअप होगा तो रनिंग में चल जाएगा। और इधर से है ट्रिपिंग के लिए, जो ट्रिपिंग के लिए है ये ओवरलोड रिले का जो 98 नंबर टर्मिनल है वहाँ से जाके ट्रिपिंग में दिया है। ये क्या है, 95-96 एनसी है, ये जब ट्रिप कर जाएगा तो 97 और 98 एनसी हो जाएगा, ये सब एनओ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको 95 से 97 एगो टैप किया हूँ मेन फेज को, और ऐसे ये एनसी होके इसको सप्लाई देगा तो ट्रिप वाला इंडिकेटर चलेगा, उस मूड में ये ट्रिप वाला चलेगा और ये ऑफ वाला चलेगा, उस टाइम ये पुश बटन एनओ एनसी कोई काम नहीं करेगा। कब करेगा, जब ये ओवरलोड रिले का जो रिले रिसेट है ये लाल वाला बटन, इसको दबना पड़ेगा, दबने से ये बंद हो जाएगा पीला वाला, फिर ये चलने के लिए रेडी हो जाएगा, फिर स्टार्ट स्टॉप जो भी करना है वो हो जाएगा। ये था इसका सिस्टम। और देखते हैं बाद में, प्रैक्टिकल छोड़ रहा हूँ अभी, टाइम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ठीक है।